कौन सी 90s की एक्ट्रेस को दबंग 4 में विलन का रोल करने के लिए ऑफर मिला है? क्यों वो ये रोल करने से कतरा रही हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपकी पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में अपडेट्स डालें तो आप ही उसे सबसे पहले सुने। और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट अनविता पाठक, स्वागत करती हूँ आपका हमारी इस फिल्मी दुनिया में। हुड़ हुड़ दबंग दबंग। दोस्तों, ये सुनते ही किसका नाम आपको सबसे पहले याद आता है? चलिए थोड़ा स्पेसिफिकली पूछ लेती हूँ, दबंग फिल्म की बात करें तो सबसे पहले किस एक्ट्रेस का नाम जहन में आता है? सोनाक्षी सिन्हा का। जी हाँ, रज्जो के किरदार से सोनाक्षी सिन्हा ने इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था और आज उनके करियर को करीब 11 साल हो चुके हैं जब वो एक अमेजन प्राइम के ओरिजिनल मूवी फैलन में नजर आएंगी, जिसे एस डायरेक्टर रीमा काकती ने डायरेक्ट किया है। यानी कि दबंग सीरीज को 11 साल हो चुके हैं। आई सडनली फेल्ट ओल्ड मैन। चलो कोई नहीं, दबंग में और कई एक्ट्रेसेस थी, जैसे पहले पार्ट में सोनाक्षी के साथ मलाइका अरोड़ा भी थी जो तब मनी बदनाम हुई गाने में नजर आई थी, जो उस साल का चार्ट बस्टर बन गया था। फिर पार्ट टू में चिपका लहसया फेविकॉल से मैं उस टाइम की नंबर वन एक्ट्रेस करीना कपूर नजर आई थी। और फिर थाने में बैठे अन ड्यूटी बजाए हाय पांडे चिसीटी, इस गाने में फिर से मलाइका अरोड़ा नजर आई। और दबंग 3 में मुन्ना बदनाम हुआ गाने में वरीना हुसैन नजर आई थी और साथ में पैरेलल लीड रोल में साई मांजरेकर भी नजर आई थी, जिन्हें फिल्म के लिए बहुत एक्लेट्स मिले थे। लेकिन इनमें से कोई भी फीमेल एक्टर इररिप्लेसेबल नहीं था या उनका किरदार फिल्म के लिए इतना जरूरी नहीं था, जैसे कि सोनाक्षी की जगह कोई और लॉन्च हो जाता, मलाइका के अलावा मलाइका शेरावत आ जाती, करीना कपूर की जगह कैटरीना कैफ आ जाती, वरीना हुसैन की जगह डेजी शाह या जरीन खान आ जाती और साईं की जगह भी कोई और लॉन्च हो सकता था, तब भी फिल्म पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन शायद वो गाने उतने यादगार ना होते अगर मलाइका और बेबो ना होते उनमें। लेकिन बात ये है कि इन फिल्म्स में कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर अभी तक नहीं नजर आई है और इसलिए इस बार फीमेल कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक फीमेल एंटागोनिस्ट या विलन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सुना गया है कि ये कैरेक्टर दबंग 3 में इंक्लूड होना था और फिल्म की नाकामयाबी के लिए उसकी नामौजूदगी को एट्रिब्यूट किया जा रहा है और इस बार मेकर्स इंसिस्ट कर रहे हैं इस एक्ट्रेस को लेने के लिए विलेन के रोल में। ये 90s की एक बहुत बड़ी लीडिंग लेडी हैं, जिसने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बदल के रख दिया, साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की रिसिपिएंट भी हैं। ये ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसको बेस्ट विलन का भी अवार्ड मिला था नीचे क्लासिक गुप्त के लिए। इसने सलमान खान के अपोजिट प्यार किया तो डरना क्या और उनके साथ कुछ कुछ होता है और करण अर्जुन में भी काम किया था, तो समझ गए ना कौन है ये आपके ख्वाबों में जाए। एनीवेज, बोलिए कि इस एक्ट्रेस को विलेन का रोल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, जो उन्होंने दबंग 3 में रिजेक्ट कर दिया था। हमें इंतजार है आपके कमेंट्स का और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है साइंस श्रेष्ठ ने। दिस इज अनविता साइनिंग ऑफ, सायोनारा।